कुछ भी हमने हरियाणा में देखा आज जगह जगह पर किसानों पर बल प्रयोग हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये हरियाणा सरकार इस तरह से किसानों के साथ पेश आ रही है जैसे वो दुश्मन हो, शत्रु देश के कोई नागरिक हो? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमेंट्स किए हैं कि हरियाणा सरकार को ये बिहेव करने का कोई अधिकार नहीं है। वो हरियाणा नहीं आ रहे थे, वो लोग दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में व्यवहार तो क्यों मैं कर देख ही सकते सकता हो? और एक बात और मैं कहूं, पूरे यूरोप में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भी किसानों के साथ सरकारों का कोई दुर्व्यवहार नहीं है। ये हमारे यहाँ है कि किसानों को आप जो है मारेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, टीयर गैस शेलिंग करेंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन इस बार के किसान आंदोलन में जो आक्रोश है उसमें सत्ताधारी लोग दल भस्म भड़िया हो हैं। जाएंगे अगर वो सुधरेंगे नहीं, बातचीत से इसको नहीं सुलझ जाएंगे। ये जो पूरा हमने देखा है, अलग अलग बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, दूसरे बॉर्डर्स पर, मतलब ड्रोन का इस्तेमाल कर किया जा रहा है टीयर गैस के लिए, इतनी कीलें ठोकी बड़ी जा बड़ी रही है, दीवार। जी, कीलें ठोकी जा रही है, जैसे दुश्मन के टैंक आ रहे हो। अरे किसान आ रहे हैं, अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, दिल्ली आएंगे, अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे। उनके साथ ये व्यवहार दिल्ली को करना, खुश खुश, करने के लिए राज्य सरकारें ये व्यवहार कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली ने कहा होगा कि वो इस तरह से व्यवहार करें किसानों के साथ, ये उन्हें तो रोके, दिल्ली ना आने बिना दें? दिल्ली के हो ही नहीं सकता। ये सरकारें तो, हरियाणा की सरकार तो पेशाब करने नहीं जाती है बिना दिल्ली की इजाजत। ये दिल्ली के ही कहने से हो रहा है। तो इससे दिल्ली की सरकार की क्या मानसिकता जाहिर होती है? दिल्ली की सरकार की मानसिकता एक डिक्टेटोरियल मानसिकता है, और यह है कि हम नहीं सुनते, जाइए आप जो करना हो कर लीजिए। अभी तो वो बातचीत कर रही थी, कल तक, कल शाम, देर रात तक बातचीत चली। बातचीत तो एक फेस सेविंग है, बातचीत चली, लेकिन जो पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था एमएसपी वाला, उस पे तो वो अभी अड़े हुए हैं कि हम नहीं करेंगे, बहाने बना रहे हैं, कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सत्यपाल, ये बताइए कि पिछले आंदोलन के साथ जो व्यवहार किया था केंद्र सरकार ने या हरियाणा सरकार ने, इस बार उससे कुछ अलग व्यवहार कर, कुछ ज्यादा अत्याचार, ज्यादा दमन का इसके जी साथ सामने आ रही है? आपने सही कहा, इस बार ज्यादा वो इस वक्त बहुत घमंड में है, लेकिन आप रुकिए हफ्ता 10 दिन, चुनाव का साल है तो घुटने टेक के किसानों की बात मानेंगे। अगर ये किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे तो यहाँ क्या करेंगे वो? नहीं, किसान तो दिल्ली जाएंगे, चाहे जो हो, कितना ही झगड़ा हो, ईंट पत्थर हो, टीयर गैस शेलिंग हो, खून खच्चर हो, लेकिन किसान अपने इरादे से हटने वाले नहीं है। क्या छह आपको छह लगता महीने है? का जी, राशन लेके आए हैं वो, छह एक छह एक महीनों ट्रॉली की में तैयारी छह छह करके आए हैं, महीने का राशन है। जी तो क्या इस बार भी उनका इरादा दिल्ली घेर कर बैठने का था, है? बिल्कुल, इस बार वो आ जाएंगे तो बैठेंगे, जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी। उनके साथ काफी धोखा हो चुका है और उससे बहुत नाराज हैं किसान। इसी घबराहट में सरकार उन्हें रोकने पर आमादा है कि अगर ये दिल्ली में आकर बैठ गए तो एक पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबर बनेगी, हर जगह इसकी चर्चा होने लगेगी। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो अगर ये किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे उससे इन्हें फायदा होगा, इनको ये तानाशाही करने से नहीं होगा। क्योंकि दुनिया भर में किसान आंदोलन चल रहा है, कोई सरकार ऐसा मिसबिहेव नहीं कर रही है किसानों के साथ, कहीं भी, पोलैंड में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में, सब जगह हो रहा है।